Dear student, we have to discuss about the access to the early education in the USA. हम एलोनाइज की बात कर रहे हैं और एलोनाइज स्टेट्स के अंदर जो है आपने देखा उन्होंने प्री किंडरगार्टन फॉर ऑल PFA के नाम से जो है उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया. अब उसी इनिशिएटिव के अंदर जो है उन्होंने जो इम्पोर्टेंट फैक्टर किया उन्होंने फैमिली इन्वॉल्वमेंट की और जो उनकी कम्युनिटी थी उनको रोल प्ले करने के लिए एट द बिगिनिंग एट द एज ऑफ द 3 उसको इन्वॉल्व कर लिया उन्होंने. किस हवाले से? क्योंकि देखिए जब हमने बात करते हैं पहले नंबर पे तो ये क्योंकि स्टेट ने प्रोग्राम शुरू किया था, स्टेट फंडेड था तो फंड्स की अकाउंटेबिलिटी थी. फंड्स की अकाउंटेबिलिटी क्या थी कि क्या प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मिसयूज हो रहे हों. फिर दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि जब स्टेट उसके अंदर इन्वॉल्व है तो क्वालिटी के जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं पहले नंबर पे तो ECE के स्टैंडर्ड्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए गए, उसकी एग्रीडेशन का मरहला शुरू हुआ, उसके बाद उन क्वालिटी को मेंशन करने के लिए उनको देखने के लिए उनको विजिट करने के लिए रोल प्ले किया एलोनाइज स्टेट ने कि वहाँ पे ना सिर्फ उनका विजिट किया जाए उनकी एनुअल अकाउंटेबिलिटी की जाए और उनकी असेसमेंट रिपोर्ट्स बनाई जाए और वो असेसमेंट रिपोर्ट्स जो हैं वो उनको प्रोवाइड भी की जाए क्वालिटी के हवाले से कि आप उनको दिखा सकें कि जी क्वालिटी स्टेट फंडेड जो प्रोग्राम प्री किंडरगार्टन चल रहा है इस प्रोग्राम के अंदर क्लासरूम एनवायरनमेंट मटेरियल करिकुलम टीचर्स ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोसेस चाइल्ड स्कूल बच्चा बच्चों की और टीचर की जो रेशियो है क्या ये अप्रोप्रिएट है ये नहीं है. क्योंकि देखें जब हम बात करते हैं क्वालिटी की जब हम बात करते हैं एग्रीडेशन की एग्रीडेशन जब कभी भी शुरू किया जाएगा तो पहले से उसके स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे और वो स्टैंडर्ड के अंदर क्या शामिल होगा? नंबर एक क्लासरूम एनवायरनमेंट, रिसोर्सेस, मटेरियल जो उनको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की इफेक्टिवनेस के लिए जो मटेरियल चाहिए वो, फिर करिकुलम आउटलाइन कि इनको पढ़ाना क्या है. उस पढ़ाने की जब बात करते हैं तो फिर उसके फिर तीन पार्ट है. कॉग्निशन डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे, हम स्किल्स कौन सी डेवलप करेंगे, हम बिहेवियर कैसे डेवलप करेंगे. अब देखें ये तीनों चीज़ें जो हैं इनको डॉक्यूमेंट करने के बाद उनकी आउटपुट को चेक भी किया जाएगा और चेक करने के बाद जहाँ पे डेफिशिएंट एरिया है उस डेफिशिएंट एरिया को एनुअल रिपोर्ट में मेंशन भी किया जाएगा और इसके साथ साथ जो अदर फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं उसके अंदर वो हैं जेंडर एंड रेस इक्विटी. देखिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है और हो रहा है, रेसिज्म के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है उसके ऊपर भी, ये भी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा है. तो उन्होंने इसको यहाँ पर ECE के अंदर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर इसको इनकलकेट कर दिया, उसके स्टैंडर्ड का हिस्सा बना दिया, टीचर की क्वालिफिकेशन और उसके क्रेडेंशियल को हिस्सा बना दिया. अब इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए चाहे उनके पब्लिक स्कूल्स हैं जहाँ पे बने हुए हैं या वो प्राइवेट सेंटर्स हैं जिनके उन्होंने लाइसेंसिंग करनी है,
तमाम इदारे जो हैं उनका जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स उन्होंने बता दिया, उस मिनिमम स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो नेशनल एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड बनाया उसको कंपेयर कर लिया जो उनकी सिचुएशन है, और फिर उसके ऊपर एक एनुअल रिपोर्ट बना के हर साल तमाम सेंटर्स को, जिसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व है जिसके अंदर प्राइवेट सेंटर भी इन्वॉल्व है, उन तमाम सेंटर्स को एक रिपोर्ट दी जाने लगी, जिस रिपोर्ट के अंदर उनके जो डेफिशिएंसी एरियाज हैं उनको ना सिर्फ आइडेंटिफाई किया गया बल्कि उनको इम्प्रूव करने के लिए उनको स्ट्रेटजीज भी बताई गई।